Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. आज के इस लेक्चर में हम सेल एंड बैटरी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, विच इज लेड एसिड बैटरी। इस टॉपिक में हम सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हेडिंग लिखेंगे आप लेड एसिड बैटरी। ओके, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है बैटरी, यानी कि इस टॉपिक में हम किसी सिंगल सेल की बात नहीं करेंगे, हम होल बैटरी की बात करेंगे। ओके, तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ अ लेड एसिड बैटरी, यानी कि सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट लिखिए आप पॉजिटिव प्लेट, या फिर हम इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसे समझाऊंगा। ओके, तो पॉजिटिव प्लेट के बारे में आप लिखेंगे कि लेड पेरोक्साइड यानी कि PbO2 इज डिपॉजिटेड ऑन अ ग्रिड फ्रेम ऑफ एंटीमनी लेड एलॉय। ओके, व्हेन द बैटरी इज फुल्ली चार्ज्ड। कहने का मतलब कि जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो एंटीमनी लेड एलॉय का बना हुआ होता है, लेकिन जब हम बैटरी को फुल्ली चार्ज्ड करते हैं तो इस फ्रेम के ऊपर लेड पेरोक्साइड यानी कि PbO2 की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ओके, और यही वजह है कि पॉजिटिव प्लेट का जो कलर होता है वो होता है डार्क ब्राउन, या फिर आप कह सकते हैं कि चॉकलेट कलर। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे नेगेटिव प्लेट, तो इसके बारे में भी सबसे पहले हम स्टेटमेंट को लिखेंगे, उसके बाद हम उसके मतलब को समझेंगे। ओके, तो नेगेटिव प्लेट के बारे में आप लिखेंगे कि स्पॉन्जी लेड यानी कि PB इज डिपॉजिटेड ऑन अ ग्रिड फ्रेम ऑफ एंटीमनी लेड एलॉय व्हेन बैटरी इज इन चार्ज्ड कंडीशन, देयरफॉर द नेगेटिव प्लेट इज ग्रे इन कलर। ओके, कहने का मतलब कि जो नेगेटिव प्लेट होता है वो भी एंटीमनी लेड एलॉय का ही बना हुआ होता है, बट चार्ज्ड कंडीशन में इसके फ्रेम के ऊपर स्पॉन्जी लेड यानी कि PB की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और यही वजह है कि इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रे इन कलर। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि चाहे पॉजिटिव प्लेट हो या फिर नेगेटिव प्लेट हो, दोनों का जो फ्रेम होता है वो एंटीमनी लेड एलॉय का ही बना हुआ होता है, बट इन केस ऑफ चार्ज्ड कंडीशन पॉजिटिव प्लेट पे PbO2 डिपॉजिट होता है, जबकि नेगेटिव प्लेट पे PB डिपॉजिट होता है। यदि हमसे दोनों प्लेट का कलर पूछे तो पॉजिटिव प्लेट का कलर डार्क ब्राउन होता है, या फिर चॉकलेट कलर आप कह सकते हैं, जबकि नेगेटिव प्लेट का कलर ग्रे होता है। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट आप नोट करिएगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव प्लेट पर PbO2 डिपॉजिट होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक्टिव एलिमेंट इज PbO2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्टिव एलिमेंट इज PbO2। ओके, नेगेटिव प्लेट को देखिए, नेगेटिव प्लेट पे PB डिपॉजिट होता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्टिव एलिमेंट इज PB। ओके, अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स को हम अरेंज कैसे करते हैं एक बैटरी के अंदर। सपोज यह पॉजिटिव प्लेट है, तो इसके बाद नेगेटिव प्लेट को हम प्लेस करते हैं, फिर पॉजिटिव प्लेट को प्लेस करते हैं, फिर नेगेटिव प्लेट को, फिर पॉजिटिव प्लेट को, यानी कि हम अल्टरनेट वे में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को प्लेस्ड करते हैं। यहाँ पर आप एक और नेगेटिव प्लेट को प्लेस्ड करिए, तो इसके बाद हम देखते हैं कि बैटरी में जो कनेक्शन होगा वो किस तरह से होता है। तो उसके लिए हम सारे पॉजिटिव प्लेट्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, और फिर सारे नेगेटिव प्लेट्स को हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी पॉजिटिव प्लेट्स होंगे उससे एक ज़्यादा नेगेटिव प्लेट्स होंगे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट के दोनों साइड नेगेटिव प्लेट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो सके। ओके,
तो यहाँ पर आप नोट करके लिखेंगे कि नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट्स इन अ बैटरी इज ऑलवेज वन मोर देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स बिकॉज द एक्शन अकर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ पॉजिटिव प्लेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यदि पॉजिटिव प्लेट्स की संख्या 3 हो तो नेगेटिव प्लेट की संख्या होंगी 4। ओके, नाउ तीसरा कंपोनेंट आप लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? दिस इज H2SO4। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, और ऑप्शन में यदि हो सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा ऑप्शन हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मार्क करेंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4, लेकिन डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहने का मतलब इसमें वाटर कंटेंट भी होता है, और जब हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज्ड हो तो उस कंडीशन में जो एसिड और वाटर का रेशियो होगा दैट इज 1:3, यानी कि H2SO4 और H2O का जो रेशियो होगा वो होगा 1:3। इसके सामने आप लिखेंगे इन फुल्ली चार्ज्ड कंडीशन। ओके, यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि इन केस ऑफ लेड एसिड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इज मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड वाटर। नाउ एक एग्जांपल के साथ आप देखिए, बैटरी का ये एक कंटेनर है और इसमें H2SO4 वन पार्ट है और वाटर 3 पार्ट है। इसको हम लिखते हैं एसिड एंड दिस वन इज वाटर। तो एसिड और वाटर के इस सॉल्यूशन में यदि हम एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करें तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसके लिए आप एक पॉइंट लिखिए कि एसिड कॉन्सेंट्रेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, तो आप कहोगे हाइड्रोमीटर। या फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि लेड एसिड बैटरी में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? हाइड्रोमीटर। ओके, नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कुछ लिख लीजिए कि ड्यूरिंग चार्जिंग वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेस एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीजेस। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट में स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैक्सिमम कहां तक वैल्यू जा सकती है और मिनिमम कहां तक वैल्यू हो सकती है। तो यहां आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लिखिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नियर अबाउट 1.28 टू 1.29 ड्यूरिंग चार्ज्ड कंडीशन, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नियर अबाउट 1.15 ड्यूरिंग डिस्चार्ज्ड कंडीशन। ओके, तो इस वैल्यू को देखने के बाद भी आपको ये पता चल रहा है कि जब बैटरी फुल्ली चार्ज्ड हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1.28 और 1.29 होता है, जबकि बैटरी के डिस्चार्ज होने पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होती है और ये रिड्यूस होके 1.15 के आसपास पहुंच जाती है। ओके, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि यदि आपसे पूछे स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिड्यूस होना क्या शो करता है, तो आप कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिड्यूस होना उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद एसिड के कॉन्सेंट्रेशन का घटना शो करता है। यानी कि जब बैटरी फुल्ली चार्ज्ड कंडीशन में हो तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसके इलेक्ट्रोलाइट में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जबकि बैटरी के डिस्चार्ज होने पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का घटना ये शो करता है कि उस बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो चुका है जबकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आप नोट करिएगा कंटेनर। तो इसके बारे में लिखेंगे कि फॉर लेड एसिड बैटरी कंटेनर इज मेड ऑफ हार्ड रबर और हार्ड ग्लास और अदर एसिड रेसिस्टेंस मटेरियल। जैसा कि हमें पता है लेड एसिड बैटरी में
जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 होता है। तो इसलिए कंटेनर एसिड रेसिस्टेंस मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए ताकि बैटरी को यूज करने से या फिर बैटरी को ट्रांसपोर्ट करने में किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे केमिकल रिएक्शन इन अ लेड एसिड बैटरी। तो इसमें हम सबसे पहले बैटरी में होने वाले केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को लिखेंगे और उसके बाद हम उसे डिटेल में समझेंगे। ओके, तो आप इस इक्वेशन को पहले नोट कर लीजिए। लेड एसिड बैटरी में होल केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb। डिस्चार्ज होने पर ये बनाएगा PbSO4 प्लस 2H2O प्लस PbSO4 और इसके साथ ही लोड को कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। ओके, यदि इसी इक्वेशन को रिवर्स करके देखें तो हमें ये मिलता है कि PbSO4 प्लस 2H2O प्लस PbSO4 यानी कि डिस्चार्ज कंडीशन में जो बैटरी होगी उसको यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें तब ये चार्ज होने के बाद फॉर्मेशन करेगा PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb का। ओके, तो अब हम इन सब का मतलब देखते हैं। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूं कि जब एक बैटरी चार्ज कंडीशन में होती है तो उसमें पॉजिटिव प्लेट पे PbO2 की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जबकि नेगेटिव प्लेट पर Pb की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। यानी कि इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो शो किया गया है ये बैटरी के चार्ज्ड कंडीशन को शो करता है। तो हम PbO2 के सामने पॉजिटिव प्लेट लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज्ड कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट पर PbO2 की लेयर डिपॉजिट होती है। यहाँ H2SO4 के सामने लिखेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि लेड एसिड बैटरी में हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 को यूज करते हैं। नाउ Pb के सामने हम लिखेंगे नेगेटिव प्लेट। जैसा कि आपको पता है चार्ज्ड कंडीशन में नेगेटिव प्लेट पे Pb की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ओके, नाउ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन पॉजिटिव प्लेट जिसपे अभी PbO2 की लेयर थी वो कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 की लेयर में। यानी कि आप यहाँ पर PbSO4 के सामने लिखेंगे पॉजिटिव प्लेट, H2O के सामने लिखेंगे वाटर कंटेंट और नेक्स्ट PbSO4 के सामने आप लिखेंगे नेगेटिव प्लेट। कहने का मतलब कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन नेगेटिव प्लेट जिसपे पहले Pb की लेयर थी वो अब कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 की लेयर में। ये सब कैसे होता है इसे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसलिए अभी पहले होल रिएक्शन को हम नोट कर लें। तो आपने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव प्लेट पर भी डिस्चार्ज कंडीशन में PbSO4 की लेयर हो जाती है और नेगेटिव प्लेट पर भी PbSO4 की लेयर हो जाती है। यदि इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करें तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb डिस्चार्ज कंडीशन में ये बनाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2O प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया कि दो PbSO4 जो था एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट इसको हमने कंबाइन करके एक साथ लिख लिया 2PbSO4। ओके, तो इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे होल बैटरी में होने वाले केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछ दे तो आप उसे आसानी से बता सकेंगे। ओके, नाउ कंडीशन नंबर 1 लिखिए विच इज चार्ज्ड कंडीशन। तो आप इस फिगर को ड्रॉ करिए। दिस इज कंटेनर, दिस वन इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज नेगेटिव प्लेट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि चार्ज्ड कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट पे PbO2 की लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो आप यहां पर लिखेंगे PbO2 जबकि नेगेटिव प्लेट पे Pb की लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो आप यहां पे Pb लिखेंगे। और जो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है वो है डाइल्यूटेड H2SO4 यानी कि डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप यहां पे मार्क करके लिखिए दिस इज इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होते हैं H2SO4 एंड वाटर। और जब बैटरी फुल्ली चार्ज कंडीशन में हो तो H2SO4 का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है तो इसके सामने आप लिख सकते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन। जबकि चार्ज कंडीशन में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है तो वाटर के सामने आप लिखेंगे
मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोमीटर, जो कि इस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करता है। तो यहाँ से आप एक और पॉइंट नोट करिएगा कि जब हाइड्रोमीटर बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करके बताता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोमीटर की रीडिंग देख के हम ये बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और इस रीडिंग के जरिए हम ये भी बता सकते हैं कि यह बैटरी कितना परसेंट चार्ज है, यानी कि बैटरी के चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कंडीशन का पता लगाने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट हमें मिला वो है एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगाना, जो काम हमारा डिवाइस हाइड्रोमीटर करके देगा। ओके, तो ये रही बैटरी के चार्जिंग कंडीशन की बात। अब हम इस बैटरी में कुछ लोड कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि बैटरी जब लोड के थ्रू डिस्चार्ज होगी तो इसके अंदर किस तरह के चेंजेस आएंगे। ओके, तो दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो सबसे पहले आप इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज अ कंटेनर, ये है हमारा पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज नेगेटिव प्लेट। जैसा कि हम चार्जिंग कंडीशन में देख चुके हैं कि जब हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज्ड हो तो वैसे केस में पॉजिटिव प्लेट पे PbO2 की लेयर डिपॉजिट हो जाती है और नेगेटिव प्लेट पे Pb की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यह बैटरी चार्ज्ड है और अब हम इसमें लोड को कनेक्ट करते हैं ताकि ये बैटरी अब डिस्चार्ज हो। फिर हम देखेंगे कि डिस्चार्जिंग कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पे कौन सी लेयर डिपॉजिट होंगी या फिर इस पूरे बैटरी में किस तरह का रिएक्शन होगा। ओके, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। फिर आप डिस्चार्जिंग कंडीशन में केस नंबर 1 में लिखेंगे नेगेटिव प्लेट, यानी कि हम बारी बारी से दोनों प्लेट के बारे में देखेंगे कि नेगेटिव प्लेट पे किस तरह का रिएक्शन हो रहा है और फिर पॉजिटिव प्लेट पे किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने नेगेटिव प्लेट को चूज किया, अब हम देखेंगे कि नेगेटिव प्लेट के साथ क्या क्या होगा, फिर हम देखेंगे पॉजिटिव प्लेट के साथ क्या होगा। ओके, तो आप केस नंबर 1 में लिखेंगे नेगेटिव प्लेट। बैटरी जब चार्ज कंडीशन में था तो नेगेटिव प्लेट पर Pb की लेयर डिपॉजिट थी। तो हम कुछ Pb के बारे में देखते हैं। Pb इज लेड, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो होता है 82, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 4, यानी कि हम लिख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, यानी कि Pb अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकता है या फिर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि जब H2SO4 टूटेगा तो ये बनाएगा 2H+ प्लस SO4 2-। नाउ डिस्चार्जिंग कंडीशन में Pb जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि Pb के साथ आप लिखिए लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब यह अपने आप को बनाएगा Pb2+, और ये जब Pb2+ बना तो इसके साथ ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, यानी कि लेड का हर एक एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके अपने आप को Pb2+ बना रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये Pb2+ जब एसिड के साथ कंबाइन करेगा, यानी कि H2SO4 के साथ कंबाइन करेगा, तो आप यहाँ पे लिखिए प्लस H2SO4, यानी कि ये जब H2SO4 के साथ कंबाइन करेगा तो इसका SO4 2-, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, ये SO4 2- के साथ अपने आप को कंबाइन करके बनाएगा PbSO4। ओके, और इसके साथ ही क्या बच जाएगा, 2H+, क्योंकि H2SO4 में से जब हमने SO4 2- नेगेटिव प्लेट को दे दिया तो अब इसमें बच गया 2H+। यदि हम इस होल प्रोसेस को एक साथ कंबाइन करके लिखें तो हम ये लिखेंगे कि नेगेटिव प्लेट का Pb जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा PbSO4, जो कि हमने यहाँ देखा, प्लस 2H+, जो कि हमने यहाँ देखा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हमने यहाँ देखा, यानी कि हम होल रिएक्शन में लिख सकते हैं Pb प्लस H2SO4 गिव्स PbSO4 प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
ओके यह इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे आप याद रखिएगा। UPPCL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव प्लेट पे जो PB की लेयर पहले थी वो अब कन्वर्ट होके बन चुका है PbSO4, यानी कि जब बैटरी फुल्ली चार्ज्ड हो तो नेगेटिव प्लेट पे PB की लेयर होंगी, जबकि बैटरी के डिस्चार्ज होने पर नेगेटिव प्लेट पे PbSO4 की लेयर होंगी। ओके तो अब नेक्स्ट केस देखेंगे पॉजिटिव प्लेट के बारे में। तो पॉजिटिव प्लेट में आप लिखिए कि जब बैटरी चार्ज कंडीशन में था तो पॉजिटिव प्लेट पे PbO2 की लेयर थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये PbO2 की लेयर बनी कैसे। तो जैसा कि हमें पता है PB का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, यानी कि ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ऑक्सीजन के एक एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। चूंकि PbO2 बनाने में ऑक्सीजन के 2 एटम यूज में आए हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 एटम के लिए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत को PB फुलफिल करता है, यानी कि PB अपना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये ऑक्सीजन के दोनों एटम को देगा, और इसके साथ ही ये PbO2 का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि PbO2 बनाने के लिए PB को अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़े होंगे, तो इसलिए ये रहा होगा PB4+, और इसी वजह से इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम अटैच हुए हैं। यदि ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता तो शायद ऑक्सीजन इसके साथ अटैच नहीं होते। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ नेगेटिव प्लेट H2SO4 के साथ कंबाइन करके PbSO4 तो बनाता ही है, साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और 2H+ भी रिलीज करता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जब पॉजिटिव प्लेट पे जाती हैं तो पॉजिटिव प्लेट इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर PB2+ बनाएगा, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव प्लेट पे जो PbO2 है उसमें एक्चुअली PB4+ ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। यदि इस PB4+ को ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपने आप को PB2+ बना देगा, और जैसे ही ये PB2+ बनेगा तो ऑक्सीजन यहाँ से अपने आप रिलीज हो जाएगा। ओके नाउ इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद H2SO4 यानी कि 2H+ एंड SO4 2-, ये SO4 2- PB2+ के साथ कंबाइन करके PbSO4 बनाएंगे। ओके तो आइए अब हम इसको बारी बारी से लिख लेते हैं। तो आप पॉइंट लिखिए कि ये PB4+ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके अपने आप को PB2+ में कन्वर्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इट कैन नॉट होल्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाएगा, सो यहां से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। नाउ ये PB2+ इलेक्ट्रोलाइट के H2SO4 के साथ जब अपने आप को कंबाइन करेगा तो इसका PB2+ और इसका SO4 2- ये कंबाइन करके बनाएगा PbSO4, और साथ ही यहां से 2 हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। ओके तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 2H+। जैसा कि आपको पता होगा कि नेगेटिव प्लेट भी अपने रिएक्शन के दौरान 2H+ रिलीज किया था और साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कंबाइन हो गया, लेकिन उसका 2H+ आयन अभी भी सॉल्यूशन में मौजूद है और पॉजिटिव प्लेट भी 2H+ आयन को रिलीज किया। यहाँ से नेक्स्ट आप लिखेंगे कि 2H+ जो कि नेगेटिव प्लेट के रिएक्शन के दौरान रिलीज हुआ, और 2H+ जो कि इस पॉजिटिव प्लेट के रिएक्शन के दौरान रिलीज हुआ, प्लस O2 4-, ये सब कंबाइन करके बनाएंगे 2H2O, यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होगा। ओके नाउ फाइनली हम पॉजिटिव प्लेट के होल रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो इसके लिए आप लिखोगे कि पॉजिटिव प्लेट पे पहले PbO2 की लेयर डिपॉजिट थी, ये कंबाइन करता है H2SO4 के साथ, और साथ ही नेगेटिव प्लेट के रिएक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हुए थे उसे भी आप इसमें ऐड करेंगे, यानी कि दिस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब मिलके फॉर्मेशन करेगा PbSO4
प्लस 2H2O का, ओके। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे भी आप याद रखिएगा। UPPCL के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप पॉजिटिव प्लेट पे होने वाले रिएक्शन बताइए, ओके। यहाँ पर यदि आप गौर से देखें कि H2SO4 को हम लिख सकते हैं 2H+ प्लस SO4 2-, यानी कि इतने पोर्शन की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि SO4 2- प्लस 4+2H+ इसका और 2H+ इसका, ओके। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, PbO2 प्लस SO4 2- प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस PbSO4 प्लस 2H2O, ओके। तो जैसा कि हम लोग डिस्चार्जिंग कंडीशन में दोनों प्लेट को बारी बारी से देख चुके हैं, और इससे हमें यही पता चला कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन पॉजिटिव प्लेट पे PbSO4 की लेयर डिपॉजिट हो जाती है और नेगेटिव प्लेट पर भी PbSO4 की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ओके। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करेंगे रिगार्डिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ अ लेड एसिड बैटरी, ओके। तो आप लिखिए कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज कंडीशन पॉजिटिव प्लेट पे PbSO4 की लेयर डिपॉजिट हुई और साथ ही नेगेटिव प्लेट पर भी PbSO4 की ही लेयर डिपॉजिट हुई, और इसके साथ ही कुछ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो इसलिए हम डिस्चार्जिंग कंडीशन के केस में ये लिख सकते हैं कि जो एसिड था यानी कि H2SO4 था उसका कंसंट्रेशन रिड्यूस हो चुका होगा, जबकि वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुका होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन, ओके। जबकि चार्ज्ड कंडीशन में हमने देखा था कि पॉजिटिव प्लेट पर PbO2 की लेयर डिपॉजिट थी और नेगेटिव प्लेट पर Pb की लेयर डिपॉजिट थी, ओके। अब हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो चार्ज्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट में जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन था यानी कि H2SO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू वाटर, ओके। तो इसलिए हम लिखेंगे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज लो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप एक नोट करिए कि स्टेट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि हाउ मच चार्ज द बैटरी हैज लेफ्ट इज चेक्ड बाय मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ड्यूरिंग डिस्चार्ज कंडीशन इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होगी दिस इज नियर अबाउट 1.15, जबकि फुल्ली चार्ज कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होगी 1.28 to 1.29, ओके। तो इसका मतलब हाइड्रोमीटर से बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम मेजर कर लेंगे और वहां से हमें पता चल जाएगा कि बैटरी कितना चार्ज है या कितना परसेंट डिस्चार्ज है, ओके। नाउ छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, उसे आप देख लीजिए, विच इज एफिशिएंसी। सेल या बैटरी की एफिशिएंसी हम कितने तरीके से मेजर करते हैं उसके बारे में हम इसमें देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले आप एफिशिएंसी का डेफिनेशन देख लीजिए कि एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ अ सेल और अ बैटरी एंड इनपुट रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द इनिशियल स्टेट ऑफ चार्ज, ओके। इसी रेशियो को हम कहते हैं एफिशिएंसी। तो बैटरी में जनरली हम तीन अलग अलग तरह की एफिशिएंसी मेजर करते हैं, तो उन तीनों के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे, ओके। तो फर्स्ट वन आप नोट करेंगे एम्पीयर आर एफिशिएंसी, दिस विल बी इक्वल टू एम्पीयर आर ऑन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एम्पीयर आर ऑन रिचार्ज इनटू 100। यदि हम लेड एसिड बैटरी की बात करें तो इसके केस में एम्पीयर आर एफिशिएंसी की वैल्यू 90% टू 95% तक होती है, ओके। दूसरा आप लिखेंगे वोल्ट एफिशिएंसी, तो वोल्ट एफिशिएंसी इज इक्वल टू एवरेज वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज वोल्टेज ड्यूरिंग चार्ज मल्टीप्लाई विद 100। तीसरा आप लिखेंगे एनर्जी एफिशिएंसी, या फिर इसे हम वॉट आर एफिशिएंसी भी कहते हैं। दिस विल बी इक्वल टू वॉट आर आउटपुट ऑन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय वॉट आर इनपुट ऑन रिचार्ज इनटू 100। ये होगा वॉट आर एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी और एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी। यदि हम लेड एसिड बैटरी की बात करें तो इसके केस में इसकी एनर्जी एफिशिएंसी नियर अबाउट 75% होती है, ओके। नाउ
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं अबाउट लेड एसिड बैटरी। तो पहला पॉइंट लिखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, एवरेज ईएमएफ या फिर नॉर्मल ईएमएफ पर सेल इज 2 वोल्ट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि लेड एसिड बैटरी का पर सेल एवरेज ईएमएफ 2 वोल्ट होता है। यदि हमें ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो तो हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कार की बैटरी में लेड एसिड बैटरी यूज होता है जिसमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने के कारण बहुत सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, मैक्सिमम ईएमएफ पर सेल इज 2.2 वोल्ट, जबकि मिनिमम ईएमएफ पर सेल इज 1.8 वोल्ट। यहाँ मिनिमम ईएमएफ पर सेल कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज 1.8 वोल्ट से ज्यादा डिस्चार्ज ना हो। ओके, तो इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लेड एसिड बैटरी शुड नॉट बी डिस्चार्ज बियॉन्ड 1.8 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए कि अप्लाइड वोल्टेज ड्यूरिंग रिचार्जिंग, यानी कि जब हम एक डिस्चार्ज बैटरी को एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करेंगे तो जो अप्लाइड वोल्टेज होना चाहिए दैट शुड बी नियर अबाउट 2.5 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, लाइफ ऑफ अ लेड एसिड बैटरी, ये होता है लगभग 1250 चार्जेस एंड डिस्चार्जेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए कि आपको लेड एसिड बैटरी के केस में क्या नहीं करना है। ओके, तो आपको इस बैटरी के लिए किस चीज का केयर करना है, क्या आपको नहीं करना है, उसके बारे में आप लिखिए। तो इसमें पहला पॉइंट होगा कि आप इसके टर्मिनल्स को गलती से भी आप शॉर्ट सर्किट ना करें। दूसरी बात का जो आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि आप इसे डिस्चार्ज कंडीशन में ज्यादा दिनों तक नहीं छोड़ेंगे, यानी कि आप लिखेंगे शुड नॉट लेफ्ट इन डिस्चार्ज कंडीशन। ओके, तीसरी बात का आप ध्यान रखेंगे कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे इसका जो वोल्टेज है वो 1.8 वोल्ट से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके साथ ही लेड एसिड बैटरी के थ्योरी में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लेड एसिड बैटरी के ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अब लेड एसिड बैटरी के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये कहता है ड्यूरिंग डिस्चार्ज द एक्टिव मटेरियल ऑफ बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स इज चेंज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डिस्चार्ज के दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स पे कौन सा एक्टिव मटेरियल होता है। तो इसका आंसर होगा PbSO4, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों पर ही PbSO4 की लेयर डिपॉजिट हो जाती हैं। सो हम कह सकते हैं कि डिस्चार्ज के दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स पे जो एक्टिव मटेरियल होंगे वो होंगे PbSO4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और हमारे ऑप्शंस हैं रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यस दिस इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोड रेसिस्टेंस, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा ऑप्शन है सरफेस कॉन्टेक्ट रेसिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है इफ अ बैटरी इज रॉन्गली कनेक्टेड ऑन चार्ज फॉलोइंग विल हैपन, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के दौरान यदि उसे हम रॉन्ग तरीके से कनेक्ट करें तो क्या होगा। यहाँ पर रॉन्गली कनेक्टेड का मतलब है कि यदि ये दोनों बैटरी के इलेक्ट्रोड्स हैं और चार्जिंग के दौरान हमें इसे सप्लाई के पॉजिटिव से जोड़ना था और इस इलेक्ट्रोड को हमें सप्लाई के नेगेटिव से जोड़ना था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इस इलेक्ट्रोड को हमने यदि पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसी को कहते हैं रॉन्गली कनेक्टेड। तो वैसे केस में क्या होगा, जब हम अपोजिट पोलैरिटी के साथ हम इसे कनेक्ट करेंगे तो बैटरी में मौजूद वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज दोनों एडिटिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैटरी में वेरी हाई करंट फ्लो करेगा। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए, ऑप्शन डी में कहता है करंट ड्रॉइंग विल बी वेरी हाई, यानी कि ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है फॉलोइंग विल अकर इफ लेवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉल्स बिलो प्लेट्स, यानी कि बैटरी में जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स यूज करते हैं, यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट्स से भी नीचे चला जाए तो वैसे केस में क्या होगा। तो ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है कैपेसिटी ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी कहता है लाइफ ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी कहता है ओपन प्लेट्स आर कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो फाइनली हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है ऑन ओवर चार्जिंग अ बैटरी व्हाट विल हैपन, यानी कि यदि हम इस बैटरी को ओवर चार्ज करेंगे तो इसमें क्या होगा। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है इट विल ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज इन एक्टिव मटेरियल्स, नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन बी कहता है इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बैटरी, नो बैटरी की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी। ऑप्शन सी कहता है इट विल रेज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि बैटरी को ओवर चार्ज करने से उसके इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज नहीं होगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब हम लेड एसिड बैटरी को फुल्ली चार्ज करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.28 या 1.29 होती है, लेकिन बैटरी के चार्ज हो जाने के बाद भी यदि हम उसे ओवर चार्ज करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे इंक्रीज नहीं होती है। ओके, तो लास्ट ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव विल अकर, सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ओवर चार्जिंग के केस में बैटरी की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे कि ओवर चार्जिंग के केस में बैटरी में क्या होता है। तो पॉइंट 1 में लिखेंगे कि ओवर चार्जिंग के केस में बैटरी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बैटरी को ओवर चार्ज करने से इसमें बहुत ज्यादा गैस प्रोड्यूस होगा। वैसे तो नॉर्मल चार्जिंग के केस में भी बैटरी में गैस प्रोड्यूस होता है, लेकिन यदि हम ओवर चार्ज करें तो एक्सेसिव गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है इन अ लेड एसिड सेल लेड इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेड एसिड सेल में लेड होता है नेगेटिव मटेरियल और लेड पेरोक्साइड होता है पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेड इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्टिव मटेरियल, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि हमसे पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल के बारे में पूछता तो हम कहते PbO2, यानी कि लेड परोक्साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है द लेड एसिड सेल शुड नेवर बी डिस्चार्ज्ड बियॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा 1.8 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ लेड एसिड सेल इज व्हाट। तो इसका आंसर होगा डाइल्यूट H2SO4, यानी कि ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है द व्हाट आर एफिशिएंसी ऑफ अ लेड एसिड सेल वेरीज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा 70-80%, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है इट इज नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द फॉलोइंग डज नॉट हैपन, यानी कि डिस्चार्ज के दौरान इनमें से क्या नहीं होता है। और हमारे ऑप्शंस हैं बोथ एनोड एंड कैथोड बिकम PbSO4। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पे PbSO4 डिपॉजिट होते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा ऑप्शन कहता है वोल्टेज ऑफ द सेल डिक्रीजेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर डिस्चार्जिंग कंडीशन। लास्ट ऑप्शन कहता है द सेल एब्जॉर्ब्स एनर्जी, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल ये एनर्जी डिलीवर करता है ना कि एब्जॉर्ब करता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन इसने पूछा है कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इनमें से क्या नहीं होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है द एम्पियर आर एफिशिएंसी ऑफ अ लेड एसिड सेल इज नॉर्मली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लेड एसिड सेल का एम्पियर आर एफिशिएंसी लगभग 90-95% होती है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है इट इज नोटिस दैट ड्यूरिंग चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है देयर इज अ राइज इन वोल्टेज। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार्जिंग के दौरान बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज करता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सेल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा ऑप्शन कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 इज इंक्रीज। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है द एनोड बिकम्स चॉकलेट ब्राउन इन कलर एंड कैथोड बिकम्स ग्रे मेटालिक लेड। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ई, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है इन अ लेड एसिड सेल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो कि इलेक्ट्रोलाइट है कंप्राइजेज द फॉलोइंग। तो लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो होता है वो होगा 1:3, यानी कि 1 part एसिड और 3 parts वाटर। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। तीसरे ऑप्शन में गिवन है 3 parts H2O एंड 1 part H2SO4। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ लेड एसिड बैटरी इज व्हाट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज करती है। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए में कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है द एक्टिव मटेरियल्स ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ अ फुल्ली चार्ज्ड लेड एसिड बैटरी आर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि एक फुल्ली चार्ज लेड एसिड बैटरी के पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पे कौन सा एक्टिव मटेरियल होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब लेड एसिड बैटरी फुल्ली चार्ज्ड हो तो इसके पॉजिटिव प्लेट पे PbO2 की लेयर होती है और नेगेटिव प्लेट पे Pb की लेयर होती है। यहाँ PbO2 का मतलब है लेड पेरोक्साइड और Pb का मतलब है स्पॉन्जी लेड या फिर लेड। ओके, तो आप ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन सी में कहता है पॉजिटिव प्लेट पे जो एक्टिव मटेरियल होंगे वो होंगे लेड पेरोक्साइड और नेगेटिव प्लेट पे जो एक्टिव मटेरियल होंगे वो होगा लेड। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ लेड एसिड सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कि लेड एसिड सेल के चार्जिंग के दौरान क्या होता है। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है इट्स वोल्टेज इंक्रीजेस। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी कहता है इट गिव्स आउट एनर्जी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि चार्जिंग के दौरान बैटरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, डिलीवर नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन कहता है इट्स कैथोड बिकम्स डार्क चॉकलेट ब्राउन इन कलर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल का एनोड चॉकलेट कलर का होता है जबकि कैथोड ग्रे कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि चार्जिंग के दौरान स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 इंक्रीज करता है। सो फाइनली हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है द कैपेसिटी ऑफ अ लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स व्हाट। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बैटरी की कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ डिस्चार्ज पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल पे डिपेंड करती है,
लेकिन रेट ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है. सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है द कैपेसिटी ऑफ अ सेल इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका आंसर होगा एम्पीयर आर्स, यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है एक्टिव मटेरियल्स ऑफ अ लेड एसिड सेल आर विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन ए में कहता है स्पॉन्जी लेड यानी कि पीबी. ऑप्शन बी में कहता है लेड पेरोक्साइड यानी कि PbO2. ऑप्शन सी में कहता है डाइल्यूट H2SO4 और ऑप्शन डी में कहता है ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. ये कहता है द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन अ लेड एसिड बैटरी इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि किसी लेड एसिड बैटरी में चार्ज के स्टेटस को जानने के लिए, या फिर ये कहें कि ये बैटरी कितना परसेंट चार्ज है इसको जानने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेशन कौन सा होता है. तो आप ऑप्शंस को रीड करिए. ऑप्शन ए कहता है आउटपुट वोल्टेज. ऑप्शन बी कहता है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ऑप्शन सी कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा. सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.